अमरीका का पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के लिए इजाफी 3 करोड़ डॉलर की इमदाद देने का ऐलान। अमरीका की मजमूई इमदाद 9 करोड़ 70 लाख डॉलर तक हो गई। इजाफी इमदाद से मुतासिरीन को गजाई अशिया, तिब्बी सहूलियात और सर्दी से बचने के लिए साजो सामान की फराहमी में मदद मिलेगी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने सिंध के जिला शिकारपुर में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। यूएस एड के शराकत दार इदारे एक्ट एड के अहदेदार भी इनके हमरा मौजूद थे। अमरीकी सफीर ने मुतासरीन में खैमे, बैतुलखला, हिफान सेहत की किट्स और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया। गाँव मखनों में अमरीकी हुकूमत के फराहम करदा आर्जी पनाहगाहों का जायजा लिया। इस मौके पर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि पाकिस्तान में सैलाब से हालिया तबाहकारियों पर इंतहाई अफसोस है। अमरीका की जानिब से 3 करोड़ डॉलर की इजाफी इमदाद का ऐलान भी किया। Today I am very pleased to announce an additional $30 million in humanitarian assistance to support the flood response, bringing the total amount of US government assistance to more than $97 million. अमरीकी सफीर मुतासरीन के साथ घुल मिल गए और मसाइल मालूम किए। इजाफी इमदाद से गजाई अशिया और तिब्बी सहूलियात के अलावा सर्दियों से बचने के लिए साजो सामान की फराहमी की जाएगी।